हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिसमस ट्री बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए 12 बाई 12 का एक स्क्वायर पीस और एक राउंड पीस, थोड़ा बड़ा, करीब इसकी बीच की जो लंबाई है वो 6 इंच के उसमें आनी चाहिए, और मतलब 6 इंच बीच में होना चाहिए, बाकी उसकी गोलाई में आप उसको काट लीजिए। एक इस टाइप का स्टैंड, आप स्टैंड की जगह पे क्रिसमस ट्री को टिकाने के लिए सीडी ले सकती हैं, हार्डबोर्ड ले सकती हैं, कार्डबोर्ड ले सकती हैं। मैंने ये स्टैंड लिया है, ये क्राफ्ट की दुकान पर डॉल मेकिंग के सामान के लिए आसानी से मिल जाता है। इसमें ये दो वायर लगे होते हैं, थोड़ा सा ये फाइबर रुई और आधा मीटर कपड़ा। इसके अलावा आधा मीटर कपड़ा जो ये आपका बेस बनेगा, और उससे थोड़ा सा लाइट या डिफरेंट कलर में ग्रीन कपड़ा जो या जो बेस में रख रही हो आप, उससे थोड़ा सा डिफरेंट उसी कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आधा मीटर कपड़ा लगेगा। और उसको जो है 2 इंच की लंबाई, बीच में 2 इंच की फोल्ड करने पे आनी चाहिए, और उसको सर्कल में काट लीजिए। जितने भी ज़्यादा पीस निकल जाएँ उतना अच्छी है। और थोड़े से और ये 2 ग्लिटर स्टिकी स्टार हैं, इनको मैं बाद में ऊपर की तरफ ऐसे लगाऊंगी, और थोड़े से गोल्डन या सिल्वर मोती इस टाइप से, और थोड़े से ये रेशम के बने हुए बॉल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। बहुत क्राफ्ट दुकान पे आपको सब मिल जाएगा। थोड़े से स्टार इस टाइप से, गोल्डन सिल्वर, और ये मैंने अपने हाथ से 2 स्टॉकिंग्स बनाए हैं चार्ट पेपर पे रेड कलर करके, और इसमें यहाँ पे छोटा सा कॉटन लगाया हुआ, थोड़ा थोड़ा सा कॉटन लगाया हुआ है। दो स्टॉकिंग्स मैंने बनाए हैं, और एक लिक्विड ग्लिटर चाहिए होता है, मतलब चाहे वो गोल्डन में हो या सिल्वर में हो या ग्रीन में हो, ग्लिटर ट्यूब चाहिए। और आप कलर चॉइस आपके ऊपर है, आप जैसा लेना चाहें। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, जो हमने ये डार्क कलर का 12 बाई 12 का पीस लिया था, इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ऐसे मोड़ देंगे, ट्रायंगल शेप में आ जाएगा, और कोई भी एक कोना हम उसको सिलाई कर देंगे। आप चाहे तो इस पर डायरेक्ट मशीन भी चला सकते हैं, क्योंकि एक ही साइड सिलना है, ये जो मोड़ा हुआ फोल्ड है एक ही साइड सिलना है, एक साइड खुला रहेगा। तो मैं इसको हाथ से सिल रही हूँ, आप चाहे तो मशीन चला सकते हैं। ये देखिए, मैं कच्ची सिलाई तो नहीं करूँगी, लेकिन बहुत महीन टांके लूँगी ताकि ये मजबूत रहे। ये सारा सामान आपके घर में पहले से मौजूद होगा, आप उससे ही बना सकते हैं, और नहीं है तो क्राफ्ट के शॉप से आपको मिल जाएगा। और मैंने तो बहुत थोड़े से ही सामान दिखाए हैं इसमें, जैसे ये बॉल है और गोल्डन मोती हैं, ग्लिटर है, स्टार है। आप अपने हिसाब से जो भी क्रिसमस ट्री पे आप सजाना चाहें वो वाले आइटम्स, तो आप सब क्राफ्ट के शॉप पे मिल जाएंगे, आप उसको लेकर के उससे भी सजा सकती हैं। ये हमारा कच्चा हो गया है लगभग, और अब मैं इसमें फाइनली नॉट दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक साइड मैंने सिला है, ये ट्रायंगल हमने मोड़ा था, ये मैंने इस साइड सिला है, और ये साइड खुला हुआ है। अब इसको ये जो सिला हुआ है इस ट्रायंगल के बीच, ये जो हिस्सा था कपड़े का, उसके बीच में लाएंगे और इसको पूरा ऐसे खोल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा ट्री का शेप आ गया है, और इतना ये जो बढ़ा हुआ कपड़ा है, यहाँ से ये सिल गया था तो ये इतना बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे। दिया है, अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसका शेप ऐसे ट्रायंगल में आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसमें
कॉटन भरेंगे, जो इसमें ये टॉप है, इस टॉप पर पहले थोड़ी सी कॉटन लेके, ये फाइबर वाली है, इसको हम भरेंगे। इसमें पेंसिल या सिलाई या टूथपेस्ट जो भी आपके पास शार्प चीज़ हो उससे आप इसको पूरा अच्छे से टाइटली इसको खूब फिल करते हैं ऐसे। फिर इसमें हम कॉटन भरना शुरू कर देंगे। बाकी कॉटन भी काफ़ी टाइट ही भरी जाएगी। फिर इसको हमने भर दिया। देखिए हमारा शेप तैयार हो गया है। अब इसको जो हमने एक सर्कल और काटा था इसी कपड़े का, उससे हम इसको बंद करेंगे। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है, ये जो गोल पीस हमने काटा था, अब इसको हम इसके ऊपर सिल्क के बंद कर देंगे। इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और ये वाला हिस्सा इसको भी अंदर करेंगे, और ये दोनों मिलाते हुए इसको राउंड शेप में पूरा सिल के चले जाएंगे। देखिए मैं राउंड शेप में इसको दोनों पीस, इसका भी और इसका भी, दोनों का हिस्सा अंदर करते हुए इसको सिल रही हूँ। अगर आप किसी चीज़ पे इसको चिपकाना चाहती हैं तो उसके लिए आप कॉटन वाली जो कॉटन होती है, जो आमतौर पर रजाई गद्दों में भरी जाती है, आप उसको भी ले सकती हैं। और मुझे स्टैंड भी लगाना था इसलिए मैंने फाइबर भी ली, क्योंकि इसको लगाने में फिर मुझे आसानी होगी। अगर ये वाला हिस्सा बढ़ जाता है तो इसको आप और अंदर मोड़ करके इसको बराबर ले सकते हैं। इसको बॉटम में ही रहना है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको बनाना बहुत आसान है। ये पूरा ऐसे गोलाई से सिलता चला रहा है। आप इसको किसी भी तरह के फैब्रिक पर बना सकते हैं। बेस अंदर का ये कॉटन लीजिए, सिंथेटिक लीजिए, लेकिन कोई भी लीजिए, इसके ऊपर आप जो मैंने ये वाला पीस बताया था आधे मीटर में, जो ढेर सारे पीस बनाने हैं गोल शेप में, उसमें आप नेट ले सकती हैं, और सिंथेटिक का कोई भी ले सकती हैं, और काफ़ी शाइनिंग वाला
ब्रोकेट टाइप का कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जैसी आपकी मर्जी हो, और उसके ऊपर फिर उसको सजा सकते हैं। इसको लगाना भी बहुत आसान है। ये देखिए, ये मेरा बॉटम तैयार हो गया। ये हमारा ट्री तैयार हो गया। अब हम इसको इस पर थोड़ा सा तेजी से प्रेस करके इसको इसके अंदर फिट कर देंगे ऐसे। ये हमारा सेट हो गया। ये देखिए खड़ा हो गया। अब इसमें हम ये लगाएंगे। इसको लगाना बहुत आसान है। ये जो राउंड शेप में मैंने कपड़ा लिया था, इसको बस इसकी चार तह करनी है ऐसे, हाफ, और फिर इसके बाद ऐसे हाफ। जैसे जैसे ये है, इसको ऐसे हाफ किया, फिर इसको यहाँ से ऐसे हाफ कर दिया, ये ऐसे हाफ। इसको हम नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए लगाना शुरू करें। सबसे पहले इसको यहाँ से ऐसे टक करेंगे, फिर इसको इसमें डालेंगे। ये देखिए, इसको इसमें टक किया, फिर ये जो हमने शेप किया था इसके यहाँ पे कॉर्नर पे डाला, इसको यहाँ लगाया, और फिर इसमें ये स्टार डाल दिया। ये स्टार है, स्टार में ऐसे होल बने रहते हैं, इसको डाल दिया। फिर इसी के पास से सुई डाली। ये देखिए, यहाँ पे हम सुई डालेंगे। यहाँ पे हमने पहले ये कपड़ा डाला, ये, फिर इसके बाद ये स्टार डाला। अब इसके ऊपर से लाते हुए आधे इंच की दूरी पे, देखिए ये है ना, आधे इंच की दूरी पे यहाँ से इसके बराबर ऐसे ये निकाल लेंगे। ये देखिए, फिर ऐसे ही दूसरा पीस लेंगे, फिर इसको ऐसे आधा मोड़ेंगे, इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में बनाएंगे, फिर इसको इसमें डालेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें ये स्टार डालेंगे। देखिए, फिर इसको हम यहाँ से सुई, इसी के ऊपर से सुई डालते हुए इसको आधे इंच की दूरी से निकाल लेंगे। ये देखिए, स्टार इसलिए डाल रहे हैं कि कभी ये हवा से उड़ेगा या हाथ लगेगा या अंदर से हल्की सी झलक भी आएगी तो ये शाइनिंग लुक देगा, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा पूरे में ऐसे टक करते चले जाएंगे, गोलाई से पूरा टक, मतलब टॉप तक पूरा टक कर देंगे। पूरा इसको पूरा टक करने के बाद ये हमारे पास इसको हम पूरा, जब पूरा ये कवर हो जाएगा इसी तरह से, पूरा इसको इसी तरह कवर करना है। ये हमारे पास स्टार है, स्टार का ही पीछे का हम ये इसको ऐसे छुड़ा देंगे। और ये देखिए, इसको मैंने ऐसे इस पर चिपका दिया है। ये देखिए, स्टार लगाते समय ध्यान रखिएगा कि ये दो कॉर्नर नीचे होने चाहिए, एक टॉप पर होना चाहिए, ये और ये पहले लगाना चाहिए, ये टॉप पर होना चाहिए। इसी तरह में दूसरा पीस, अब पीछे से इसका लुक ऐसे आएगा, तो दोनों तरफ से हमको स्टार दिखना है, इसलिए मैं इसके ऊपर जस्ट इसी का दूसरा पीस लगा दूंगी। इससे हमारी जो ये स्टिक है ये भी चिपक जाएगी। ये देखिए, ये हमारा स्टार तैयार हो गया। अब हम इसको
इसके ऊपर लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ लगाना है आपको। इसको हल्का सा यहाँ पे कट कर देंगे और इसके बाद इसको इसमें डाल देंगे। हमारा स्टाफ हो गया है। मैंने इसका दूसरा पीस बना के रखा हुआ है, मैं इसके आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो मैंने लगाए थे, ये पीस जो मैंने लगाए थे, ये इस तरह से पूरा इसको कवर किया गया है। कवर करने के बाद इसमें जो हमारे पास ग्लिटर था, ये ग्लिटर को, ये जो ऊपर के ये हिस्से हैं इसको कवर किया गया है। बस सिंपल सिंपल इसमें ऐसे लाइन से इसको लगाते जाइए, जहाँ आपका मन चाहे, जैसे शेप चाहे ऐसे लगा सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, इसको फिल करना है, इस तरह से इसको सजा दीजिए पूरा। और इसको लगाने के बाद इसको एक रात सूखने के लिए रख दीजिए। इस तरह से ये पूरा फिल हो जाएगा। सूखने के बाद इसमें हम ये बॉल लगाना शुरू करेंगे। इस बॉल को भी लगाना बहुत आसान है। इधर मैंने अभी ग्लिटर लगाया है, ये गीला है, मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ। सिंपल सा है, इसको कहीं भी जहाँ भी आपको टक करना हो, यहाँ हम ऐसे टक करके दिखा रहे हैं आपको। बस इसमें सिंपल से ऐसे सुई डालनी है, ये बॉल डालनी है और इसको यहाँ ला के फिर से ऐसे हल्का सा गांठ लगा देना है और ये आपका तैयार हो जाएगा। ये आपकी बॉल लग गई है। इस पे आप चेन भी लगा सकती हैं और दूसरे स्टार लगा सकती हैं, जो भी क्रिसमस ट्री पे आपको जो भी सजाना है आप इसको तो सजा सकती हैं। अब हमारे पास ये दो स्टॉकिंग्स हैं, अब हम इनको टांगें। इसको भी सेम जैसे ये बॉल टांगी थी सिलाई करके, ठीक उसी तरह से इसमें हल्के से सुई डालिए, इसमें डालिए और इसको जहाँ आपका मन करे वहाँ आप इसको टक कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको पूरा ग्लिटर सूख जाने के बाद ही करना है, फिनिशिंग तभी आएगी। जिस रंग का कपड़ा है आपका उसी रंग का आपका धागा होना चाहिए, ताकि आपका काम फिनिशिंग के साथ हो। ये देखिए, ये इस तरह से इसको टांगिए, इसी तरह से इसको भी टांग देंगे। तैयार हो गया।
और ये जो हमारे मोती हमने ये लिए थे इसका मोती आप इसको यहाँ ऊपर पूरी तरह से पूरा भर दीजिए। ये आपका क्रिसमस ट्री तैयार हो गया। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।